हाल ही में संपन्न हुए पंजाब चुनाव में शानदार जीत के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी इन दिनों सातवें आसमान पर है। पंजाब में जीत से उत्साहित पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजरें अब पड़ोसी राज्य हरियाणा पर टिकी है। आप लगातार यहां अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अम्बाला में जिला अध्यक्ष गुरुचरण सिंह की अगुवाई में युवा एडवोकेट केतन शर्मा व लव बजाज ने अपने साथियों सहित आम आदमी पार्टी का दामन थामा। केतन शर्मा लंबे समय से समाज सेवा के कार्य करते रहे हैं। आप ज्वाइन करने के बाद केतन शर्मा ने कहा कि वो आपकी नीतियों और अरविंद केजरीवाल के विचारों से प्रभावित होकर शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकार बनने के बाद अब बाकी राज्यों में भी आपकी सरकारें बनेगी। अरविंद केजरीवाल शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों, किसानों के मुद्दों पर सच की राजनीति करते हैं। अब वो अम्बाला में पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा जो जुड़ने का कारण है वो है आम आदमी की अच्छी नीति। जो आम आदमी की नीतियां हैं वो बहुत ही अलग हैं, डिफरेंट है। जो एक हेल्थ को लेके फॉरवर्ड पॉइंट पर रहना और यूथ को फ्रंट पर रख के चलना, एजुकेशन को फ्रंट पर रखकर चलना, ये यूथ की नीतियां। और आप देख ही चुके हैं बीजेपी ने पिछला इलेक्शन यूथ के सिर पर जीता था और यूथ को ही हम यूं कहें तो कि बेच के खा गए। वहीं नए साथियों के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर जिला अध्यक्ष गुरचरण सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर युवा वर्ग बड़ी संख्या में पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे पार्टी को मजबूती मिल रही है। अरविंद जी ने जब ये पार्टी बनाई तो हम भी उसमें जुड़े और उसी टाइम से जुड़े हुए हैं। हमारा मतलब ये है कि लोगों में अमृत जी, अपने अरविंद जी की जो भावनाएँ हैं उनका प्रचार किया जाए। और उनका प्रचार यही है कि जो मेन चीज़ें होती हैं कि हमारी शिक्षा, हमारी बिजली कह लो, हमारा स्वास्थ्य और लोगों का जरा आम जीवन है वो सुरक्षित होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। और उसको उठाने के बाद उन्होंने दिल्ली में बहुत सारा काम किया है। उसी का ये अर्थ हुआ है कि पंजाब में भी हमारी पार्टी जो है वो जीत चुकी। गौरतलब है कि दूसरी पार्टियों के कई नेता आपने अपना भविष्य देख रहे हैं। इसका उदाहरण हाल ही में देखने को मिला जब हरियाणा के चार पूर्व विधायक आप में शामिल हुए।